दशमेश पिता मैं किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। दशमेश पिता मैं किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। पिता मैं किया खां, असर दिखाया अमृत ने। दशमेश पिता मैं किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। दशमेश पिता ने किया खां, दशमेश पिता ने किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। दशमेश पिता ने किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। पिता ने किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। दशमेश पिता ने किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। मर चुका सी भारत सदियां तो, मर चुका सी भारत सदियां तो, सा मुड़ के पाया अमृत ने। मर चुका सी भारत सदियां तो, सा मुड़ के पाया अमृत ने। भारत सदियां तो, सा मुड़ के पाया अमृत ने। मर चुका सी भारत सदियां तो, सा मुड़ के पाया अमृत ने। भारत सदियां अमृत ने, मर चुका सी भारत सदियां तो, सा मुड़ के पाया अमृत ने। असी गिद्दड़ा वांगू ज्यौंदे सां, असी गिद्दड़ा वांगू ज्यौंदे सां, सानू शेर बनाया अमृत ने। गिद्दड़ा वांगू ज्यौंदे सां, सानू शेर बनाया अमृत ने। गिद्दड़ा वांगू ज्यौंदे सां, शेर बनाया अमृत ने। गिद्दड़ा वांगू ज्यौंदे सां, शेर बनाया अमृत ने। गिद्दड़ा वांगू ज्यौंदे सां, सानू शेर बनाया अमृत ने। गिद्दड़ा वांगू ज्यौंदे सां, सानू शेर बनाया अमृत ने। असी मोए साई असी मुके सा, असी मोए साई असी मुके सा, सानू अमर बनाया अमृत ने। मोए साई असी मुके सा, सानू अमर बनाया अमृत ने। अमर बनाया अमृत ने। असी मोए साई असी मुके सा, सानू अमर बनाया अमृत ने। असी मोए साई असी मुके सा, अमर बनाया अमृत ने। मोए साई असी मुके सा, सानू अमर बनाया अमृत ने। दशमेश पिता मैं किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। दशमेश पिता मैं किया खां, की असर दिखाया अमृत ने। पिता मैं किया खां, की असर दिखाया।
छाया अमृत में दशमेश पिता मैं किया खान किया सर दिखाया अमृत ने दशमेश पिता मैं किया खान सर दिखाया अमृत ने दशमेश पिता मैं किया मैं माँ किस रसना नाल गावा मैं माँ किस रसना नाल गावा बाबा बढ़ियाँ तेरिया बाबा बढ़ियाँ तेरिया किस रसना नाल गावा बाबा बढ़ियाँ तेरिया बाबा बढ़ियाँ रसना नाल गावा बाबा बढ़ियाँ बाबा बढ़ियाँ तेरियाँ रसना नाल बाबा बढ़ियाँ तेरियाँ बाबा बढ़ियाँ तेरियाँ रसना नाल गावा बाबा बढ़ियाँ बाबा बढ़ियाँ तेरियाँ तेरे दर्शन को बलहारे बाबा बढ़ियाँ बाबा बढ़ियाँ तेरियाँ दर्शन को बलहारे बाबा बढ़ियाँ बलहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार परम सम्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी अंदर जिन्नी भी संगत रल मिल करके हाजरी भर रहे हो बड़भागे हो जिन्ना जिन्ना नू गुरु चरणा विच बैठ करके हाजरियां भरन दा समा मिलिया है आओ गुरु पातशाह दी बख्शी होई फतेह दी सांझ पाईए सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के गुरु जी नू सीस झुका के बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे पातशाह दा बचन है सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए कहिंदे भाई सतगुर दे घर दी सेवा है सफल पर सफल की दी है जेड़ा कोई मन चित ला के कर दे। आपां ये भी पढ़दे हां कि पिछले कीते चंगे माड़े कर्म भी नाल निभदे ने लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार। कहिंदे जेड़ा लेख मालक ने लिखता मिटदा वह भी नहीं। किसी फकीर ने महाराज नूं पुछया सी कहिंदा जी जदों लिखिया होया लेख मिटदा ही नहीं है फिर थोड़ी सेवा का की फायदा। इन्नी दुनिया आ के पिटावा दिंदी है चरणा ते नमस्कारा कर दी है एदा की फायदा।
ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे आ देख भला की है। कहिंदा जी मोहर है मोहर। महाराज कहिंदे इहनू पढ़ इहते की लिखिआ है। हुण मोहर दे अखर हुंदे ने पुठे, उह पढ़े ही ना जाण। कहिंदा जी इह तां पढ़ी नहीं जा रही। पातशाह कहिंदे इदां कर, हुण शाही दे नाल लवेड़ के कागज़ ते ला। ते जदों ओही मोहर कागज़ ते लाई फिर फटाफट टक्कर फड़ेगे। कहिंदा जी हुण पढ़े जा रहे हैं। महाराज कहिंदे ये मैं तैनू समझा रहा भी जिन्हां दे मस्तक दे लेख पुठे हुंदे ने ना, जदों आके मालक दे चरणा ते सीस चुकाउंदे ने पुठे लेख भी सीधे हो जांदे आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते भाई होए भी ने। छेवें पातशाह वेले माता सुलखणी होई चब्बे पिंड दी रहण वाली। उहदे घर औलाद नहीं सी। उहने बेनती कीती महाराज पुत्तर दी दात चाहीदी ए। सतगुरु कहिंदे तेरे भागां च है नहीं। ते जदों दुबारा आके बेनती कीती सिख ने समझाया सी जुगती दसती भी जे महाराज कहण ना तेरे भागां च है नहीं तू बेनती करी भी महाराज पहलां भी तुसी लिखना सी जे पहलां नहीं लिखिया हुण किरपा कर दो। ते ओ सिख दी समझाई होई जुगती माता उवें जाके कहिंदी महाराज पुत्तर दी दात चाहीदी। सतगुर कहिंदे बीबा तैनू कल कहा सी तेरे भागां च है नहीं। वो कहन लगी पातशाह भागां बारे मैनू तां नहीं पता है तां तुसी जाणो। मैं तां सुनिया है कि जेड़ा आप जी दे दर आ जे वो खाली नहीं जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज मेरे ते भी किरपा करो एक पुत्तर दी दात बख्श दिओ। सतगुरु कहिंदे चंगा भाई लिया कागज लिया कलम लिया। कागज फड़ाता कलम फड़ाती जदों महाराज एका पाउण लगे ते आपां पढ़दे हां वी घोड़े ने पौड़ हिलाया गल उह वी होई ते नाल भाई गुरदास जी भी खड़े सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਏਕਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਘੁੰਡੀ ਜੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੀ ਤੈਂ ਰਚੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਾਈ ਸੱਜੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ। ਬੁਝਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਭਾਈ।
सिर्फ गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप ही आवाज उठाई जंग युद्ध कीते मुगलां नाल। राजे महाराजे आउंदे लुट्टा खोहा करके लै जांदे, कोई नहीं सी बोलदा डरदा। साध संगत जी, जे किसे बादशाह नू जालम किया जावर किया वह भी गुरु नानक नहीं किया। क्रांति उत्थों शुरू हुई सी, रबाब नाल दुनिया का भला किया, ते रबाब तो तलवार तक पहुंचना पै गया खो सतनाम। 250 साल का समा गुरगद्दी शरीर करके विचरी है। नोट करियो, गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक तकरीबन 250 साल बनता है। गुरु शरीर करके विचरे, उदू बाद गद्दी गुरु ग्रंथ साहब नू मिल गई। ते इन्ने क समय च ही महाराज ने बहुत वड्डे पूरने पाए ने। रबाब तो तलवार तक पहुंच गई गल, जे गुरु नानक साहब ही शरीर करके इन्ना समा रहिंदे ना, शायद उन्होंने भी रबाब रख के तलवार चुक लेनी सी। दशमेश पिता मैं की आखा की असर दिखाया अमृत ने। देखो गुरु अर्जन देव की शहीदी हुई, दुनिया तो नहीं ना बोली, डर गए सी सारे। गुरु हरकृष्ण महाराज वेले चेचक का रोग फैलिया सी, महाराज भला करते रहे, दिल्ली ने खत्म होना सी। दिल्ली च बहुत रोग सी चेचक का, ते गुरु हरकृष्ण पातशाह गए दिल्ली राजा राम सिंह होना दे नाल। ते गुरमुख प्यारियो जिन्हें आके बेनती की भी महाराज कृपा करो, सतगुरु सिर ते हथ रख देंदे, चेचक का रोग ठीक हो जाता सी। आखो सतनाम। गुरुद्वारा बंगला साहब जिथे बने, इथों तक के महाराज संगतां नू जल छकाउंदे, कृपा दृष्टि कर देंदे, जेड़ा जल सक लैंदा वह भी राजी हो जाता। हुण भी उथों संगतां ज़्यादातर चूला लैंदियां जल दा। इथों तक भी दस्सिया दिल्ली च बहुत चेचक फैल गई, ते गुरु साहब गली गली भी गए ने, लोक रोगियां दे मंजे कढ कढ के बार च धर दिंदे। ते जिन्हों महाराज दा दर्शन हो जांदा वो ठीक हो जांदा सी। तां दुनिया कहिंदी सी श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। कहिंदे इन्हां दा तां दर्शन करन नाल ही दुख दूर हुंदा है। दिल्ली मर्दी बचाई सी, थोड़े समय बाद गुरु तेग बहादुर जी नूं उसे दिल्ली दे विच बिठा के शहीद किया जा रहा है। आखो सतनाम। की दुनिया ते भरोसा कर लांगे भाई। ते दिल्ली दे चांदनी चौक विच बिठा के गुरु जी ते तलवार दा वार किया है। ते दुख दी गल ए, एक भी नहीं बोलिया गुरु, एक भी नहीं बोलिया। चलो औरंगजेब का मुकाबला नहीं सी कर सकते, उन्हें रोकन की समर्था नहीं सी, घटो घट आवाज तो उठा सकते सी ना, भी आ गलत हो रहा है। एक भी ना बोलिया। ता मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी, जैते आ जुलम हुंदा है लोग चुप करके सहिंदे ने, मैं इन्हां च एहे जा जोश भर देंगा कि चुप नहीं रहनगे। आखो सतनाम। सालक वाद ही ना, सालक वाद ही। फिर किसी ने औरंगजेब दे बट्टा मारिया सी गुरमुखो, ये क्रांति जे आई साडियां जमीरां नू जगाया ता जगाउण वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, कोई परवाह नहीं सी कीती। तां मैं बेनती कीती है दशमेश पिता मैं की आखां की असर दिखाया अमृत ने। मर चुका सी भारत सदियां तो, सा मुड़ के पाया अमृत ने। असी मोए सां, असी मुके सां, सानू अमर बनाया अमृत ने। असी गिदड़ा वांगू जिउंदे सी,
सानू शेर बनाया अमृत ने, पता नहीं की बाटे विच घोल के पला गया, मरी हुई कौम च द्वारा जान पा गया। हुण तां देखो माड़ी जी गल हो जाए, जदी धरने जे ला लैने ना आपां, ये आवाज नहीं सी उठा सकते। जालम जरवाने बादशाह अपनियां मानाइयां करदे सी, आखो सतनाम, मानाइयां हुंदियां सी। ये तो जे जगाया है, अणख नाल जिउणा सिखाया है, जगाया ही गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, आया आखो सतनाम। आओ प्यारे पातशाह दी बात पाईए। कल आप जी ने सुनिया, मेरे मालक नीले दे शाह सवार आनंदपुर साहब विच वसदे ने, अमृत छकाया तरह तरह के चोज करदे ने। ते कल तुसीं इह भी सुनिया, भाई नंद लाल जी आए गुरु जी दे दरबार, खेडां तरह तरह दियां रचदे, कवियां दा माण हुंदा सी। इस मौके भाई जगता भी आया, कल तुसीं सुनिया सी, काबल दा रहण वाला, ते गुरमुख प्यारिओ होर भी बहुत सिख आउंदे सी, जिथे दुनिया माया भेटा करदी, बस्त्र भेटा करदी, कोई देगां लैके आउंदा, ते कई सिख इदां दे सी जेडे अपनी जवानियों ही भेटा कर देंदे सी, भी महाराज ये जिंदगी तुहाडी, तन मन धन असी थानू दिता, जदों मर्जी वरत लियो, आखो सतनाम वाहिगुरु। ऐसे समयां विच संगत आई पाहुविंड तो, ते संगत दे विच एक परिवार ऐसा जिदे नाल एक बच्चा भी आया, उन्हें आके चरणा ते नमस्कार कीती, बड़ा प्यारा सी बच्चा। ते महाराज पुछदे आ, काका ना की है? कहिंदा जी मेरा नाम है दीपा, मैं बाबा दीप सिंह दा जिक्र कर रहा। घरदिया ने नाम रखिया सी दीपा, माता दा नाम सी ज्योनी, पिता दा नाम सी भाई भगता। भगते दे घर माता ज्योनी दी कुखों अमृतसर जिले दे पाहुविंड पिंड विच बाबा दीप सिंह दा जन्म होया सी। महाराज पुछदे आ, काका ना की है? कहिंदा जी मेरा नाम है दीपा। सतगुरु जी दे नाल बचन बिलास होए, बड़ा प्यारा लग्या बच्चा, ते सतगुरु जी दे नाल कुछ दिन बतीत कीते। माता पिता नूं कहिंदा मैं इत्थे ही ना रह के सेवा कर लां। ये कहिंदे भाई तेरी मर्जी, क्योंकि उदों बहुत घर इहो जे सी जेडे गुरु की कदर करते सी, ते लोग ये सोचते सी भी गुरु गोबिंद सिंह ने साडियां जमीरां नूं जगाया है, जुल्म करन वालियां दे विरुद्ध टक्कर लई असी अपने बच्चे गुरु जी नूं भेटा चढ़ावांगे। कई हिंदू परिवारां ने भी ना ये मन बना लिया सी कि साडी खातर गुरु तेग बहादुर ने कुरबानी की है, असी घर का हर पहला वड्डा बच्चा जेठा वह गुरु घर नूं चढ़ाया करांगे, आखो सतनाम वाहिगुरु। ते जेडे सिख परिवार सी इन्हां ने तां भाई सेवा करनी ही करनी। भाई भगते ने, माता ज्योनी ने बेनती की, पातशाह ये बच्चा है, इहदा ख्याल रखियो, जे कोई भुल करे ना न्याणा समझ के माफ कर दियो। दीपा गुरु चरणा च रहिंदा है, ते रह के घोड़सवारी सिखी, हथियार चलाउणे सिखे, ते नाल विद्या भी पढ़ी गुरमुखी। इहदी लिखाई बड़ी सोहनी सी, लिखाई बड़ी सोहनी सी,
सुंदर लिखाई करदा ते इहने गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां च रहिंदिआं होइआं वी कहिंदे कई गुटके लिखणे बाणी लिख लिख के वंडणी। कुछ समां रिहा ते फिर सेवा करदा रिहा। एक दिन परिवार आया कहिंदे जी बच्चा जवान हो गया इहनूं घर लै जाइए विआह शादी वी करना है। पातशाह कहिंदे ठीक है लै जाओ। आनंदपुर रहिंदे आए ने विद्या पढ़ी गुरबाणी दे गुटके लिख लिख के जपजी साहब पोथियां लिख लिख के वंडियां संगतां विच क्यों लिखाई सुंदर सी। फिर परिवार वाले घर लै आए सी। जदों आनंदपुर दा युद्ध होया उदों दीप सिंह उत्थे नहीं सी। अमृत छके दीपे तो दीप सिंह बन गया सी ते परिवार की सेवा करदा जेड़े सी ना गुरु के लाल इन्हें गुरमुख प्यारे मोढ़ियां ते चुक चुक के खड़ाए सी। आखो सतनाम। तां जदों हरिमंदर साहब दे वास्ते बाबा दीप सिंह जी ने कुरबानी कीती उन्हूं बहुत गुस्सा सी इस गल दा भी इन्हां सरकारां ने गुरु गोबिंद सिंह ते एडा वड्डा जुल्म कीता। ओ लाल कहिंदा मैं मोढ़ियां ते चुक चुक खड़ाए ने वो तो फुल्लां तो भी कोमल सी ते जालमां ने नीहां च चिणते। रोस सी इस गल दा। ये बात दा इतिहास मैं फिर कितें सांझा करांगा बाबा दीप सिंह दी सारी जीवनी। पर लड़ीवार जो चलदा है वह बेनती करदा दीप सिंह आनंदपुर साहब रहा सी अमृत छकिया नाम दीप सिंह बन गया फिर घर आ गया सी। परिवारक जिंदगी ज्योई सी इहने पर उत्थे रहिंदिआं होइआं बहुत सेवा कीती गुरु दे लालां नूं मोढ़ियां ते चक चक के खड़ाउणा बड़ा प्यार सीगा। ते महाराज ने बचन कीते सी दीप सिंह तू चलिया तां है घर तेरे च गुण है सुंदर लिखाई दा गुरमत दा प्रचार करी। ते इहने फिर गुरमुख प्यारिओ दूर दराडे जाके गुरसिखी का प्रचार करना। इन्हां समयां विच ही एक दिन की होया मीह पई जांदा है ते गुरु के लाल चारे ही बार गए होए खेडण वास्ते। भाई मान सिंह उहदी ड्यूटी सी वी तैं बच्चियां दा ख्याल करना जिहड़े बच्चे ने ना प्यारिओ इन्हों की भी एक बड़ी जिम्मेवारी होंदी है। हुण तां समां ही इहो जिहा हरेक ते भरोसा नहीं करना चाहीदा क्यों बच्चे हुंदे ने अनभोल। यह कह लो एक कोरा कागज है ये जो लिख देंगे सारी जिंदगी उही पढ़ी जांदे है। कई बारी ये भी हुंदा है हुण समां इदां दा मैं तां बेनतियां करदा थोड़ा जिहा ख्याल रखो। बच्चे बच्चे हुंदे ने कई लोग माड़ी मत दे के इहे जे राह तोर दिंदे आ मुड़ के सारी जिंदगी पछतावा ही पल्ले रह जांदा है। दुनिया दे मालका दुनिया तेरी नित नवे तमाशे करदी आ। पहलां इज्जत दे लई मरदी सी हुण पैसे दे लई मरदी आ। बड़े लोग बच्चियां नूं गलत पढ़ा के ना गुमराह कर जांदे आ। ख्याल रख्या करो भाई। सतगुरु जी ने ड्यूटी लाई सी मान सिंह तू भाई इन्हों बच्चों का ख्याल रखना है। माता गुजरी जी नूं कहिंदा जी मैं खेडन लै जा। माता जी कहिंदे लै जा। बाहर चले गए खेडद्या खेडद्या दिन लंघ गया आए ही ना घर। शाम पै गई इन्हें नूं मीह आ गया गुरमुखो बहुत जोरां दा मीह पिया। जदों बहुत जोर दी मीह पिया ना बच्चे घर ना आए खेड़दे खेड़दे लुक गए पासे ते मान सिंह घर आ गया ते माता गुजरी बार च खलोती देखी जांदी है भी मेरे लाल दे लाल कदों कौणगे।
मान सिंह कल्ला ही तुरिया आवे। माता जी कहंदे मान सिंह की गल भाई बच्चे नहीं आए। कहंदा माता जी पता नहीं अज किवें भुलेखा लग गया, वैसे तो मैं ख्याल रखना पर अज खेडदे खेडदे पता नहीं किधर चले गए। माता जी नूं चिंता होगी, कहंदे ओहो चल आपां भालण चलीए। मीह पैंदे च भालदे रहे ते जदों माता जी गए नाल लभदिआं लभदिआं देखिआ इक कंध कच्ची जी ते मीह दे विच चारे लाल कंध नाल खलोते गुरमुख नाल लगे ते माता जी ने उत्थे घर लिआंदे। जदों घरे पहुंच गए ते मान सिंह नूं झिड़किआ, भाई सिखा तू अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझी, ये बच्चे ने अनभोल मीह पैंदे च तू कल्ले छड़ते ना जानिया कंध डिग भी सकती सी, ख्याल क्यों ना रखिया। इदा माता जी मान सिंह नूं झिड़की जान ते इन्ने नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब आ गए। कहिंदे माता जी की गल हो गई अज बड़े गर्म होए बैठे हो। माता गुजरी कहंदी पुत्रा की दसा मेरे लाल, आ निक्के निक्के बच्चे खेडन चले गए ते मान सिंह ने अज ख्याल नहीं कीता। उत्तों बारिश आ गई, ये तो मैं भालन गई ते कंध नाल लगे खलोते सी, मैं नूं तां झिड़कदी आं भी रब ना करे कोई अनहोनी हो जांदी। फिर जदों आ गल कही ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक डूंगी सोच च डुब गए। कदे तां माता जी वल तकदे ऐ, कदे मान सिंह वल तकदे ऐ, कदे बच्चियां वल तकदे। माता कहिंदी लाल जी एडी केड़ी चिंता वाली गल है, मैं तां इहनूं फर्ज चेते कराया भी तैनूं ख्याल रखना चाहीदा सी, तुसी इन्ना डूंगी सोच च डुब गए। सतगुर कहंदे माता अज तां मान सिंह नूं झिड़कदे हो पर आउण वाला समा होएगा यही लाल होणगे, कंधां भी होणगियां ते तुसी भी होवोंगे, उदों किहनूं दोष दिओगे। आखो सतनाम वाहिगुरू, उदों किहनूं दोष दिओगे। माता कहिंदी बेटा गल की। फिर महाराज ने उत्थे बचन कहे सी, कहिंदे समा आउणा है बड़ा भयानक। माता जी गल सुन के ते जिंद जावे गहिंदी, माता जी नूं कंबणी छिड़ पैंदी, कंबणी छिड़ गई जदों आ गल सुनिया बिरतान। इस तरह दशमेश जी नूं कहिंदी लाल एहो जा नजारा भयानक वे मेरे नैणा नूं दिखाई ना अचानक वे, मैथों झल्लिया नहीं जाना यह सदमा, दुख सारी दुनिया दे नालों वधमा, जान जिथों दी मैं चुमदियां कदमा। यह तां जिथों दी जांदे ने ना, मैं तां मिट्टी चुक चुक के चुमदियां भी मेरे लालां दियां पैड़ां ने। तैनूं पता गुरु तेग बहादुर दी शहीदी तों बाद मसां खुशी आई है, ये समा ना दिखाई, जान जिथों दी मैं चुमदियां कदमा, किमें जर लूंगी कंधा च उसारिया नूं, तेरे फुल्लां नालों कोमल दुलारिया। पहला दुख तेरे पिता दा मैं झल्लिया, कहिंदी पहला तेरे पिता दा दुख मैनू पता है मैं किमें झल्लिया, तू निक्का जा सी 9 साल दा, मैं तैनू किमें पाल के जवान कीता वो मैनू ही पता है। आखो सतनाम पुत्रा, एक ही गल कहती सतगुर कहंदे माता जी ये ता भाणा वरत के ही रहना है। फिर माता समझाउंदी है, कहंदी किन्ना होवे बाग हरिया भरिया जग दा, बच्चे गुजरिया तो उजड़िया लगदा, बुरा दुख हुंदा ढिड दी अग दा। कहिंदी बहुत वड्डा दुख हुंदा इतिहास वल नजर मार, राम चल्लिया जदों वनवास सी, नाले दो पुत दशरथ पास सी,
ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਭਰਤ ਵਰਗੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਦਸ਼ਰਥ ਪਾਸ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਟਾਲ ਦੇ ਜੇ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਐ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਟਾਲ ਦੇ ਜੇ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਦੇ ਪਲਟ ਸਮੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਸਿਆਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਭੈੜੇ ਚਾਨਸਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਣਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝਿੜਕ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਇਕੱਠੀ ਵਰਖਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਓਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜੂਗੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ
जेड़ा कोई ध्यान ला के करदा है, ध्यान ला के सुनदा है, वो आप भी तरदा है ते अपनियां कुलां नूं भी तार लैंदा है। आखो सतनाम। साध संगत जी पढ़ियो बचन। आप तरै कथा कीर्तन करन वाले आप भी तरदे ने ते अपनियां कुलां नूं भी तारदे ने। आप तरै सगले कुल तारे आप तरै आप तरै आप तरै सगले कुल तारे आप तरै कुल तारे आप तरै आप तरै तारे आप तरे आप तरे कुल तारे आप तरे आप तरे कुल तारे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे आप तरे हर दर के पत स्यों जाएगा हर दर के पत स्यों जाएगा पत स्यों जाएगा हर दर के पत स्यों जाएगा हर दर के पत स्यों जाएगा आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे सगले कुल तारे आप तरे आप तरे आप तरे कुल तारे आप तरे। महाराज कहंदे आप भी तर जांदा है ते अपनियां कुलां नूं भी तार लैंदा है। एड्डा वड्डा महत्व दस्या गुरु साहब ने कीर्तन दा। हुण इत्थे इस तरह दियां विचारां हुंदियां। एक दिन दीवान सजिया होया ते गुरमुख प्यारिओ पेशावर वल्लों संगत आई, आके उन्हां ने नमस्कारां कीतियां ते एक 7-8 साल दा बच्चा भी आया नाल। महाराज नूं आके मत्था टेकिया, बच्चे दे केस रखे होए, सोहने वस्त्र पहने हुए, महाराज नूं बड़ा प्यारा लग्या। सतगुरु कहिंदे काका तेरा नाम की है? कहिंदा जी मेरा नाम है योगा। महाराज मेरा नाम योगा। सतगुरु कहिंदे दस है किहदे योगा, संसार योगा जां निरंकार योगा, किहदे योगा? ये हथ बन के कहिंदा महाराज मैं थोड़े योगा। जदों आ गल कही महाराज बड़े खुश होए, इहदी भावना वेख के, क्योंकि 7-8 साल दे बच्चियां नूं किन्नी कसूह हुंदी है। महाराज हस पे, कहंदे वाह जोगिया,
जे तू मेरे जोगा है ना ला चेते रखी मैं तेरे जोगा, ये बचन कीता सी प्यार नाल। नाले तानू सिर ते हाथ रखिया लाड कीता, नाले हस के कहंदे जोगिया जे तू मेरे जोगा है मैं भी तेरे जोगा होया, जे तू मेरे जोगा है मैं भी तेरे जोगा होया, जे तू मेरे जोगा है मैं भी तेरे जोगा होया, ये तू मेरे जो गाए मैं भी तेरे जो होया, ये तू मेरे जो गाए मैं भी तेरे जो होया, ये तू मेरे जो गाए मैं भी तेरे जो होया, मेरे जो गाए तेरे जो होया, तू मेरे जो गाए तेरे जोगा होया, बचन कीता कहंदे जे तू मेरे जोगा ता मैं तेरे जोगा। बड़ा प्यार कीता, कई दिन रहा परिवार। जदों परिवार वाले वापस जान लगे, ये बच्चे ने जिद कर ली, कहना मैं तो नहीं जाता, मैं इत्थे ही रहना। बहुत समझाया, घरदिया ने ना मन्या। ते साध संगत जी एक दिन फिर पिता ने बेनती की भी महाराज बच्चा इत्थे रहना चाहता है, जे थोड़ी आग्या होवे तो छड दिए। महाराज कहिंदे भाई थोड़ी मर्जी। ये रह पिया गुरमुख, ते जांदे जांदे पिता ने बेनती कीती पातशाह बच्चा न्याणा है, बच्चियां तो बड़ियां भुल्लां हुंदियां है, आप ही बख्श लियो। सतगुरु कहिंदे चिंता ना करो, असी वादा कीता है भी जे मेरे जोगा मैं इहदे जोगा। आनंदपुर साहिब रहा कई साल गुरमुख, उत्थे रह के घोड़सवारी सिखी, हथियार चलाने सिखे, बाणी पढ़नी भी सिख गया। चंगा नौजवान होया, थोड़े समय बाद जदों पिता आया देखिया भी जवान हो गया बच्चा। महाराज नूं कहन लगा जी हुक्म दिओ इहदा विआह शादी कर दीए। सतगुरु जी ने जोगे नूं बुला के पुछया, जोगा सिया, क्योंकि उत्थे रह के अमृत छक लिया सी, जोगा सिंह बन गया सी। पिता जी तैनू ले जाना चाहते ने, व्याह करना, तेरी की राय है? ये चुप कर गया। सतगुरु कहिंदे चुप दा मतलब हां समझ लो होने भी, नहीं तो जवाब दिंदा। लै जो भाई घरद्या दे नाल तोरता, ते घर दे लै गए घर, घरे ले जा के योग लड़की वेख के इहदे विआह दा दिन रखता गुरमुख। ते विआह दा दिन रखिया, इधर सतगुरु जी नूं भी पत्रका भेजी, महाराज फलाने दिन जोगा सिंह दा विआह है, रहमत करियो, कोशिश करियो, तुसीं आयो। चिट्ठी महाराज कोले पहुंची, सतगुरु जी ने पढ़ी, व्याह दा दिन सी ते मेरे मालक ने खेड होर वरताती, आखो सतनाम जी वाहगुरु। ला ला कसवटियां परखदा ए रब, परखदा ए अपने प्यारियां नू, कदे देगां दे विच उबाल दिंदा है, कदे सिर ते चलाउंदा है आरियां नू। सौखी नहीं है परख गुरमुख, पर कहिंदे मौत जिंदगी दी की परवाह, उत्थे जिथे नशे शहादत ते चढ़े होवन
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੜੇ ਹੋਵਣ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਗੇ ਦੀ ਜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੇ ਫੜ ਕਾਗਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੈ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੈ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਈ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਪਰਖ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇਈ, ਪਰ ਦੇਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਟੁਕਾ ਹੋਇਆ। ਧੇਤਿਆਂ ਨੇ, ਧੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੜਾਤਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਗਾ ਸਿਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ੱਕ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ।
जमा वाली मार झली नहीं हो जावनी, गुरु ने छड़ाउणा है। मना छड़ आपां चलीए, पल्ला छड़ता उत्थे ही उठ के खड़ा हो गया, भज के दूजे नेड़े हो गए। की हो गया? कहना हुक्मनामा आया गुरु जी का, मैं तो जाना ही। जदों आ गल कही लामा तो फिर बिच ही रुक गई। ते परिवार आले कहिंदे जोगा सिंह दा प्यो नेड़े होया, कहन लगा जोगिया हुण तक तू किन्ना समा उत्थे ही रहा, असी तैनू कुछ नहीं सी कहा, पर आ बच्चियां दा टाइम नाल व्याह करना इह मापियां दी जिम्मेवारी हुंदी है, ते तू व्याह तां करवा लै। जोगा सिंह कहिंदा नहीं, गुरु साहब दा हुक्मनामा आया, मैं हुण ही जाणा, रोको ना, परे हो जाओ, नाले तां तुरिया जावे। ते नाले कहिंदा मैं जाणा। पिता ने इत्थों तक कहता, कहिंदा गल सुन, जे अज साडी नहीं ना मनदा, समझ ली तेरे वल्लों असी मर गए ते साडे वल्लों तू मर गया। जे अज साडी नहीं सुनदा तू आ की कहणगे बाकी सारे। ते उत्थे जोगा सिंह फिर इन्ने नू छाल मार के घोड़े ते चढ़ गया, घोड़े नू लाई अड्डी, नाले उच्ची उच्ची कहिंदा जांदा है, मेरा रुसे ना कलंगियां वाला जग भावे सारा रुस जे, मेरा रुसे ना कलंगियां वाला जग भावे सारा रुस जे, जग भावे सारा रुस जे, मेरा रुसे ना कलंगियां वाला जग भावे सारा रुस जे, मेरा रुसे ना कलंगियां वाला जग भावे सारा रुस जे, मेरा रुसे ना कलंगियां मेरा रुसे ना कलंगियां वाला, मेरा रुसे ना कलंगियां वाला, मेरा रुसे ना कलंगियां वाला। मेरा रुसे ना कलंगियां वाला, मेरा रुसे ना कलंगियां वाला, जग भावे सारा रुस दे, जग भावे सारा रुस दे। कहिंदा कोई गल नहीं, रुसदी है दुनिया रुस जे, छड़ के तुर गया। ते बाकी परिवार आलिया ने दो लामा ना फिर जोगा सिंह दे परने नाल ही कीतियां, भी चलो कोई नहीं, गुरु का सिख है, उन्हें गुरु का हुक्म मन्या, ते कोई नहीं, लड़की हुण तुहाडी होगी, आ परने नाल ही दो गेड़े दवा दो, ते इहनू भाई तुसी नाल लै जाओ। आखो सतनाम, कारज वह भी नहीं बिच छड्या, क्योंकि लोग इज्जत समझते सी गुरमुख को। कोई नहीं, उन्हें गुरु का हुक्म मन्या, ता की होया, कहिंदे समझ गए धी वाले। चलो दी दो लामा बाकी दियां जोगा सिंह दे परने नाल कीतियां, ते मापे फिर अपनी धी बना के लै गए लड़की नूं। उधर जोगा सिंह घोड़ा भजाई जांदा है, छेती जावा, ते जांदे जांदे दे मन विच ना कहिंदे हंकार आ गया गुरु। हंकार है जिहड़ा ये गुणा की सवारी करता है, रब्बी बचावे तो बचिया जांदा नहीं, बचना बहुत औखा है। खास करके होर लोग तो बच जांदे है, जिहड़ी धार्मिक होमे है ये तो बचना बहुत औखा है। धर्मियां नूं वाला हंकार हुंदा है वी एवें तुरे फिरदे आ, बाकी तां ये तो बचो भाई। पुन दान करिए, कथा कीर्तन करिए, बाणी पढ़िए सुनिए, अरदास करिए, मालका तेरी कृपा नाल हो रहा है, कीता नहीं जा रहा।
हुण जोगा सिंह जांदा ते जांदे जांदे दे मन विच हंकार आ गया। हंकार सी मन विच सोचदा है, कहिंदा सिख तां बथेरे होणगे पर मेरे अर्गा गुरु गोबिंद सिंह दा सिख नहीं हो सकदा कोई। ऐडा बचन दा पक्का जिहड़ा लामा विचाले छड के आ जाए मेरे अर्गा नहीं होना कोई। जदों आ गल मन विच सोची ते उधर जानी जान गुरु गोबिंद सिंह सोचदे आ वी जे इह ऐसे तरह हंकार दा भरिया होया आ गया इहने तां पाबी नहीं लगन देने किसे। कई बंदे सेवादार भी इदां दे हुंदे आ, वो बोलन लगे देखते नहीं दूजियां दा मन तोड़ देंदे आ। गुरु पहला तोलो फिर बोलो, गल निम्रता वाली होनी चाहीदी है। कई एक दी वड्याई करदे करदे दूजे नूं नीवा दिखा जांदे आ, वह भी ठीक नहीं हुंदा। ख्याल रखना हर गल दा। साध संगत जी हुण हंकार आ गया ते महाराज ने इह जी खेड वरताई। जदों हुशियारपुर कोल दी लंघण लगा उत्थे हुण तां गुरद्वारा साहिब बनिया भाई जोगा सिंह दी याद विच, ते उस वेले उत्थे इक वेशवा दा घर सी जिहड़ी मंद कर्मां विच फसी होई, ते उहनूं वेख के जिथे हंकार सी नाल नाल काम ने जन्म ले लिया। माफ करियो संगत बैठी है, गल्लां करनियां नहीं चाहीदियां, इह तां रब ही बचावे। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। पढ़िया ना बचन, डंडौत बंधन अनक वार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। मालक बचावे, नहीं तां अखबारां टैलीविजनां विच रोज ही पढ़ते सुनते हैं। जदों मत ते पढ़दा पैंदा है लोग मां भैण धी का भी ख्याल नहीं करते। आखो सतनाम। हुण जोगा सिंह दी मत ते पिया पढ़दा, कहिंदा आनंदपुर तां नेड़े ही है, पहुंच ही जाना है। इधर लामा विचाले छड्डिया आ, हुण तां नेड़े ही है, छेती वग जूंगा बेशवा नूं मिल के चलना। दिन खड़ा है, थोड़ी जी रात पैण दे, कहिंदा डर भी है। ते साध संगत जी जदों मूंह ने राजा होया, ये चुवारे दी पौड़ी चढ़न लगा ते मूहरे एक पहरेदार खलोता है, सोटा फड़िया। ये कहिंदा भी कोई होर गया होना है, उहदा पहरेदार खलोता है, इहनूं मुड़ जाण दे फिर जावांगा। 11:30 बजे गेड़े दिंदा रहा। जदों दूजी वारी पौड़ियां लगा चढ़न, पहरेदार फिर उत्थे, ये फिर मुड़ाया। इन्ने नूं 3:30 बज गए प्यारिओ। इन्हें भी मन विच ठान ली, कहिंदा वेखी जाऊ जिहड़ा कुछ होऊ, जे इन्हें कुछ पुछिया तां मैं बहाना मार दूंगा कोई। हुण मैं रुकना नहीं, रात तां इत्थे लंघ गई, मैं मिल के ही जाना कुछ हो जाए। मन बना के यह भी तुर पिया। जदों लगा पौड़ियां चढ़न, जेड़ा पहरेदार सी ना खूंडा फड़िया हाथ च, वर्षा ते खड़काता मार के खंगूरा हां भई कौन है। जदों आ गल कही ते इहदे पैर रुक गए गुरमुख। उत्थे फिर पहरेदार नोट करियो, है तां गुरु गोबिंद सिंह आप ही सी, इहनूं नहीं पता लग्या। पहरेदार दे रूप विच खलोते ने, कंबल दी बुक्कल मारी होई, ढही जी दस्तार बन्नी होई, सीधा जा कम। ते जदों जोगा सिंह पौड़ियां चढ़न लगा, महाराज खड़का के सोटा फिर कहिंदे ने, की दाए तू चोर यार, की दा घर भाल दाए, तीजी वारी फेरा पाया विच तू बाजार दे। कहिंदे ओ भाई कौन है तू,
चोर है यार है दसता सही की दा घर लभदा है। मैं वेख रहा किन्ने टाइम दा पहला आया गेड़े गुड़े देख के मुड़ गया फिर दूजी वारी आया मुड़ गया हुण तीजी वारी आ गया तू कहिंदा दो वारी तैनू माफ करता वो भी तां कीता सी भी तू वेखण नू सिख लगदा है क्योंकि नंदा तो उठ के आया सी ना बड़ी सोहनी पग बन्नी होई ते तलवार भी वड्डी पाई अज कपड़े सोहने ते पहरेदार दे रूप विच फिर बचन कीते कहिंदे की दा ए तू चोर यार की दा घर भालदा ए तीजी वारी फेरा पाया विच तू बाजार दे मेरा जी तां ए करदा है फड़ के ऐसे वक्त तैनू देइए बिच बंदी खाने फिर देने सिपाही पहरेदार सरकार दे कहिंदे इत्थे सिपाही फिरदे आ मेरा जी तां करदा सी तैनू हुणे ही फड़ के मैं जेल च बंद करावा पर मैं सोचिया तैं नहीं सोचिया कहिंदे मैं सोचिया तेड़ है कशहरा रहत दसवें गुरां दी तेरे सिर उत्ते केस पेच सिद्धी दस्तार दे कहिंदे दस्तार सजाई है तेड़ कशहरा पाया गात्रे कृपान मैं सोचिया भी गुरु का सिख है मैं तां शर्म कीती नहीं हुण नूं तां तैनूं फड़ा दिंदा मैं कहिंदा ओ सिखा सोच तेड़ है कशहरा रहत दसवें गुरां दी तेरे सिर उत्ते केस पेच सिद्धी दस्तार दे दसवें गुरां नूं का तो लाज लाउणा खालसा जी हो के सिख कम करे ठग चोर यार दे मार के लड़करा कहिंदे की हो गया तेरी मत नूं टाइम तां वेख की है इस वेले तां तेरे वर्गे सिख उठ के बाणी पढ़दे आ इशनान करके गुरु चरणा च जांदे आ तू किधर फिरदा इत्थे फिर महाराज कहिंदे ने किरपान भी पाई होई है किरपान भी पाई होई है सिंह लगदा बाजा वाले दा का तो सुरत पलाई होई है सिंह लगदा बाजा वाले दा का तो सुरत पलाई होई है किरपान भी पाई होई है किरपान भी पाई होई है सिंह लगदा बाजा वाले दा का तो सुरत पलाई होई है सिंह लगदा बाजा वाले दा का तो सुरत पलाई होई है किरपान भी पाई होई है किरपान भी पाई होई है सिंह लगदा बाजा वाले दा का तो सुरत पलाई होई है सिंह लगदा बाजा वाले दा का तो सुरत पलाई होई है का तो फेरिया पौनाए का तो फेरिया पौनाए एह द्वारा नरकां दा जिथे मुड़ मुड़ आउणाए ओए एह द्वारा नरकां दा जिथे मुड़ मुड़ आउणाए
मुड़ मुड़ आना है द्वारा तारिका जिथे मुड़ मुड़ आना है तो फेरिया कौन आए द्वारा नाद पाता मुड़ मुड़ आए द्वारा नाद पाता मुड़ मुड़ आए। महाराज कहिंदे ये सिखां दा टिकाणा नहीं हैगा, मुड़ जा पिछे की हो गया तेरी मत। जदों आ गल कही फिर सुरत टकाने आई, मन विच सोचदा ओए आ की कर बैठा, सारा हंकार निकल गया। घोड़े ते चढ़िया आनंदपुर साहब वाल नूं तुर पिया। हुण जांदा जांदा पछताउंदा है, मान टुट गया मेरा जी, हुण कोई हंकार नहीं कोई मान नहीं। आनंदपुर साहब गया, दरबार सजिया होया, सारी संगत बैठी, ये भी जा पहुंचा। जदों गया ना जांदे नूं देख लिया महाराज ने, इन्हें मत्था टेकिया ते दया सिंह नूं इशारा कीता भी इहनूं स्टेज ते लियाओ। उच्ची उच्ची आउंदे नूं देख के हस पे। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, मेरा मान वधा रहे है। चलो नाल ही महाराज जदों स्टेज ते बैठा, महाराज कहिंदे वाह जोगिया किन्ना बचन दा पक्का है, मेरी खातर तू लावा बचाले छड के आया। ये हस पिया उची उची, हां महाराज। फिर ते महाराज कहिंदे बाला भी ना हंकार कर, माड़ा जिहा ये भी दस दे भी रात कित्थे सी। इन्हें कहता सी कहना महाराज अखां च लाली है, ऊंग रहे हो इदा लगता जिवें रात सुते नहीं होंगे, ऊंगी जाने हो इदा लगता जिवें रात सुते नहीं होंगे। महाराज कहते की करिए तेरे अर्गे सिख सौन ही नहीं दिंदे। कहना जी थोनू कौन हैरान करदा, मैं इत्थे ही रहा, इन्ने पहरेदार हुंदे है, थोनू किने परेशान कीता है। फिर महाराज उत्थे कहंदे होर नहीं कोई जोगिया, तू ही है आखो सतनाम। वाहेगुरु दसखां भला संगत नू रात किथे सी। जदों आ गल कही ते सारा ही करंट निकल गया। महाराज कहंदे हां मैं की करदा दस किथे। फिर गुरमुख प्यारे की बोले, हुण संगत बहुत सी, हथ बन के रो पिया महाराज दे चरणा ते सिर धर के। कहंदा महाराज रख लो जेड़ी होनी सी वह तां होगी, मान टुट गया मेरा जी, मान टुट गया मेरा जी, मैं बिच मैं ना रही
हुण ता हो गया तेरा नी मैं विच मैं ना रही मैं ता हो गया तेरा नी तेरा मेरा जी मान टूट गया मेरा जी मैं विच मैं ना रही महाराज हुण रख लो मैं थोड़ा सतगुरु कहिंदे ओ तां ठीक है राज तां आउंदा होया कहिंदा सी मेरे वर्गा सिख नहीं मिलिया होना वाकई नहीं मिलिया बई दस भला रात संगत नूं किथे सी सच बोली फिरे बोलिया उत्ते सच बोलिया क्योंकि गलतियां हो जांदियां गुरु मूहरे कादा पटदा गुरु जदों इन्हें बोलिया महाराज कहिंदे फिर तैनू पहरेदार ने रोकिया ना कहिंदा हां जी सतगुरु कहिंदे जोगा सिया आता मैं सोचिया ही नहीं सी तू है साडा सिख किसे मौके सिखां सेवकां नू बचाउण लई तत्ती तवी ते बहना पिया किसे मौके नौमे जामे दिल्ली च सीस कटाउणा पिया आता सोचिया ही नहीं सी भी सिख नूं बचाउण लई वेशवा दा चौकीदार भी बनना पएगा जे किते परखना ही सी किते होर परखदा जंग युद्ध च परखदा आ तू की करता आ गल कही ते रो पिया ताहां निकल गईयां महाराज कहिंदे बहुता ना मान करी भी मेरे वर्गा सिख नहीं मिलिया कोई याद रखी तेरे नाल बचन कीता सी जोगिया जे तू गुरु जोगा गुरु तेरे जोगा तू सेवा कीती सी इत्थे तां बचाउणा पिया नहीं लखां लोग धक्के खाई जांदे आ तू साडा सी सेवक सी साडा तां तैनू बचाउणा पिया जोगिया याद रखी लामा छड के बचाले जे तू आ गया मैं भी चौकीदार हो गया लामा छड के बचाले जे तू आ गया मैं भी चौकीदार हो गया छड के बचाले जे तू आ गया मैं भी चौकीदार हो गया लामा छड के बचाले जे तू आ गया मैं भी चौकीदार हो जोगा सिंह लई गुरु भी चौकीदार हो गया जोगा सिंह लई गुरु भी चौकीदार हो गया चौकीदार हो गया जोगा सिंह लई गुरु भी चौकीदार हो गया जोगा सिंह लई गुरु भी चौकीदार हो गया ऐसा गुरु प्यारो मिलना कि ये जोगा सिंह नू बचा सकते ने आपां भी नरकां चो बचाउणगे आखो सतनाम महाराज कहिंदे तेरी परख करनी सी तेरे नाल बचन होया सी गुरु जोगा ते गुरु तेरे जोगा तू भी नभाया ते नभाई मैं भी है हुण जा वापस घरे जा तेरे पिता ने चिट्ठी पाई सी भी महाराज व्याह है लाज रखियो
ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਘਰ ਮੋੜਤਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗਨ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ